So, friends, now let us start with the next chapter that is service costing. Come on, give the heading. This is chapter number eight service costing. उ दिस इज वन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंड्स ये एग्जाम में आता है तो चलो समझते कि सर्विस कॉस्टिंग में हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले फ्रेंड्स टेल मी वॉट इज कॉस्टिंग कॉस्टिंग मतलब इट मीन्स मेथड यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट राइट हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कॉस्टिंग करेंगे तो ये सर्विस कॉस्टिंग क्या है तो सर्विस कॉस्टिंग इज इट मीन्स मेथड यूज टू कैलक्युलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेस फ्रेंड्स यहां पर हमारा फोकस होगा सर्विस पे नॉट प्रोडक्ट हमने बहुत प्रोडक्ट्स के लिए कैलकुलेशन कर लिया हमने कॉस्ट शीट बनाया एब्सॉर्बेशन कॉस्टिंग किया राइट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किया बहुत हो गया प्रोडक्ट का जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग राइट और अब हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे सर्विसेस पे फ्रेंड्स ये पूरे सिलेबस में एकलौता चैप्टर है जो सिर्फ सर्विसेस के लिए बाकी सब में प्रोडक्ट्स ही था एक ए बी सी में एक सर्विस का सम आया था बाकी सब तो प्रोडक्ट्स के ही थे तो ये चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग के बारे में यहां पर ना हम सारे सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे अब सर्विसेज तो बहुत सारे टाइप्स का होता है देर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ट्रांसपोर्टेशन कैन बी रोडवेज रेलवेज एयरवेज राइट वाटरवेज ओके देन यू हैव स्कूल एजुकेशन स्कूल फीस जैसे कोचिंग क्लासेस ये भी एक सर्विस है बैंकिंग सर्विस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी राइट पावर जनरेशन ये ये सब सर्विसेज है राइट right? तो so, यार ये तो मैंने नाम भी बहुत कम लिया इससे ज्यादा ही सर्विसेज दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो क्या हम सारे सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे नो no. आईसीआई के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज तुम्हारे सिलेबस में डाले तो क्या कैसे पढ़ेंगे हम पूरा सर्विस कॉस्टिंग एक चैप्टर में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे हम सर्विस कॉस्टिंग को इस तरह पढ़ेंगे ताकि हम केपेबल बन जाए कोई भी सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेंड्स देर इज अ टिपिकल वे यू हैव टू थिंक इस तरह सर्विस का कॉस्ट कैलकुलशन होता है और उसी तरह सारे सर्विस इंडस्ट्री में ही कैल्कुलेशन होता है ठीक है सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू सॉल्व समरी यू नो इंडस्ट्री यू बिकम केपेबल बाय डूइंग फोर फाइव इंडस्ट्रीज ठीक है सो दट इज वॉट इज देयर इन सर्विस कॉस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस कॉस्ट कैलकुलेशन what about the theoretical aspect do you need to know anything before you start the chapter i would say no is chapter mein koi theory koi background hai hi nahi hum seedha sum pe jayenge aur solve karenge okay so let's go directly to the sums अब फ्रेंड्स अगर तुम टेक्स्ट बुक देखो तो इस चैप्टर में मैंने ना टोटल कितने सम्स रखे हैं एट सम्स and these questions have got different seven sums oh yeah seven sums are there and these questions have got they are of different industry and they have of course different different calculations so i have you know selected them precisely so that you get exposure to variety now start with question number seven says karte. this is a starter sum what simple अगर तुमको ये समझता है तो तुमको एक बेसिक जो कैलकुलेशन करना होता है सर्विस कॉस्टिंग में ये समझ जाए राइट बेसिक थिंग्स दैट वी नीड इन सर्विस कॉस्टिंग इज देयर इन दिस सम प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्निस थर्मल पावर स्टेशन शोइंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट अस टू कैलकुलेट दे वांट अस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट एक किलोवाट के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी एक

अपॉन टोटल किलोवर्ट्स राइट टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल किलोवर्ट्स अब जब हम क्वेश्चन आके रीड करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम टोटल कॉस्ट ढूंढे और टोटल किलोवर्ट्स ढूंढे अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा राइट एवरी टाइम यू डू सर्विस कॉस्टिंग सम यू हैव टू डू दिस टू वर्किंग कॉस्ट का वर्किंग यूनिट्स का वर्किंग राइट न्यूमिटर का वर्किंग डिनोमीटर का वर्किंग अगर ये मिल जाता है तो बस आंसर मिल राइट क्या हमको किलोवाट जैसे इस क्वेश्चन में ट्वेंटी लैक्स दिया है क्या हर क्वेश्चन में कॉस्ट यूनिट्स दे दिया रहेगा नहीं समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट समाइम ऑल्सो वो हम सब में जाकर देखेंगे कैसे करना होता है तो फिलहाल ये सब में क्या करना है टोटल कॉस्ट ढूंढना है टोटल किलोवाट्स दिया है डिवाइड करके आंसर लाएंगे नाउ वी विल हैव टू मेक अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट राइट पर्टिकुलर रुपीज कमॉन फ्रेंड्स रीड द सम एंड राइट द कॉस्ट वन बाय वन कौन से कौन से खर्चे हो रहे हैं ये साल के लिए हम रीड करेंगे ओके सो द फर्स्ट एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग लेबर थर्टी लैक्स Then repairs and maintenance. This cost is ten lakhs. Then lubricants, spares and stores. This is eight lakhs. then plant supervision this cost 6 lakhs then administration overheads this cost 40 lakhs अब ये तो खर्चा है ही साथ में और भी कुछ नीचे दिया है friends लिखा है फाइव किलोवोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड पर के जी ऑफ कोल यानी एक किलो कोल यूज करोगे तो पाँच किलोवोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड कॉस्ट ऑफ दैट कोल इज फोर पॉइंट टू फाइव पर के जी तो यार कोल का कॉस्ट लगना है अब देखो मैं कैसे डायरेक्टली सोच रही हूँ फाइव किलो वोट के लिए एक किलो कोल चाहिए है ना सुनो फॉर जनरेटिंग फाइव किलोवर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू नीड वन के जी ऑफ कोल वन के जी इज नथिंग बट फोर पॉइंट टू फाइव रूपीज करेक्ट राइट तो पांच किलोवट के लिए फोर पॉइंट टू फाइव रूपीज का कोल का खर्चा होगा इन ऑल यू हैव टू जनरेट ट्वेंटी यू हैव टू जनरेट ट्वेंटी लैख किलोवर्ट फ्रेंड्स तो कितना कोल कॉस्ट इनकर होगा You will incur coal cost of 17 lakhs. Correct? You will incur cost of 17 lakhs. Then next is depreciation. One more cost. Depreciation is 5% on capital cost of 5 crores. So 5 crores ka 5% lelo.

Is company may to get twenty lakh kilowatts of electricity. So therefore cost per kilowatt for ignis thermal power station. It would be total cost. अपऑन टोटल किलोवट्स राइट टोटल कॉस्ट हमारा है लो यू गेट सिक्स पॉइंट एट पर किलोवट दिस इज द कॉस्ट दैट यू इनकर व्हेन यू जनरेट वन किलोवट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये ये friends. So friends, ये सम ये सम में हमको ये समझा कि जो सर्विस इंडस्ट्री है जैसे पावर उसमें ना दो चीजें हमको पता होनी चाहिए कि खर्चा कितना होता है और यूनिट्स कितने हैं किलोव अगर ये दोनों पता चल जाए तो वी कैन कंप्यूट कॉस्ट इजीली वैसे बेटा यही चीज तुमको हर सर्विस इंडस्ट्री के लिए देखना है कि जैसे अगर अगर जैसे बैंकिंग सेक्टर हो तो बैंक के लिए कितना खर्चा होता है बैंक का टोटल खर्चा कितना होता है उसके सामने उसके कितने कस्टमर्स है फिर डिवाइड कर दो यू गेट कॉस्ट पर कस्टमर राइट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ल लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन एक लोन डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे लोन पर काम करता है होम लोन मॉर्गेज लोन एडुकेशन लोन ग्रेट सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन तो होम लोन एक उनका सेक्शन है इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ओवर कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन यानी देखो ये समझो एक बैंक है उस बैंक के अंदर एक लोन डिपार्टमेंट है ठीक है लोन डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ बैंक एंड विद इन दिस लोन डिपार्टमेंट देर इज होम लोन सेक्शन ठीक है तो लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लोन डिपार्टमेंट यानी ये जो लोन डिपार्टमेंट का का खर्चा है उसमें से 25 होम लोन का होगा आगे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ होम लोन होम लोन के बारे में लिखा है डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर अभी डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर मतलब होम लोन का लेबर कॉस्ट कितना मतलब इधर जो प्रोसेसिंग करने के लिए बंदे अपॉइंट किए हमने जिनको सैलरी देते हैं उनके लिए Loan We have kept four जिनको 60, देते हैं, तो मंथली हमारा टू लैख फोर्टी थाउजेंड का सैलरी कॉस्ट हो जाता है दिस इज द डायरेक्ट लेबर दिस इज डायरेक्ट बिकॉज इट इज यू नो प्राइसली एप्लीकेबल टू होम लोन ओनली ये ऐसा नहीं है कि लोन वाले का है फिर वो लोन वाला सब काम करते ऐसे नहीं ये चार लोग ना होम लोन के लिए ही काम करते हैं बाकी लोन डिपार्टमेंट का ओवरेज कॉस्ट दिया है अभी ये लोन डिपार्टमेंट मतलब पूरे का बेटा हम तो होम लोन का कर रहे मतलब ये जो टोटल वन लाख एटी वन थाउजेंड है वो पूरा होम लोन का नहीं है सिर्फ इसका पच्चीस टका आएगा ठीक है जो सैलरी है टू लाख फोर्टी थाउजेंड वो तो पूरा लेने का और जो लोन डिपार्टमेंट का खर्चा है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट होम लोन के लिए एप्लीकेबल होगा You are required to compute the cost of processing home loan application. You have to compute what cost of processing one home loan application on the assumption that 500 home loans are processed in each month. har ek mahina 500 home loan process hote हैं। तो एक home loan application के पीछे bank का कितना खर्चा होता है ये पूछा। तो इधर से तो साफ दिखता है कि जो home loan वाले loan processes हैं वो cost है। और वन लैक एटी वन थाउजेंड पूरे लोन डिपार्टमेंट में से ट्वेंटी फाइव परसेंट ले लो बस ये दो ही खर्च है दिस विल गिव यू द टोटल कॉस्ट फॉर होम लोन प्रोसेसिंग डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड एप्लीकेशन यू विल गेट कॉस्ट पर होम लोन दैट्स इट से क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट स्टेटमेंट शोइंग Cost per home loan application. First is direct. professional labor you need not compute 40000 240000 okay and then <clears throat> overage of home loan department will be 25% of loan department ऑफ एंटायर लोन डिपार्टमेंट जो पूरा लोन डिपार्टमेंट उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट होम लोन के लिए है तो कितना आएगा यू गेट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नो अदर कॉस्ट सो टोटल कॉस्ट वर्क्स आउट टू टू एटी फाइव टू फिफ्टी करेक्ट टोटल खर्चा इतना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होम लोन एप्लीकेशंस 500 सौ है तो एक एप्लीकेशन के पीछे कितना खर्चा इट कम्स टू फाइव सेवेंटी पॉइंट फाइव दिस इज कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन करेक्ट फ्रेंड्स अब देखो धीरे धीरे ना हम कुछ नया नया सीख रहे हमने जो क्वेश्चन सेवेंथ किया उसमें हमको ये सोचना ही नहीं था कि ये खर्चा एप्लीकेबल है कि नहीं क्योंकि जो भी था वो थर्मल पावर स्टेशन का था तो हमने आग बन करके सब खर्चा ले लिया पर हमेशा ऐसा होता नहीं है यहाँ पर हम पूरे बैंक का कॉस्टिंग नहीं करें बैंक में एक डिपार्टमेंट के एक सेक्शन होम लोन का कॉस्टिंग कर रहे हैं तो जब अगर ऐसा कॉस्टिंग हो तो वी हैव टू बी वेरी विद द कॉस्ट हमको वही कॉस्ट लेना है जो वो सेक्शन को अप्लाई करता है राइट सो बी विजिलेंट वेन यू सॉल्व ओके एंड मोर ओवर रिमेंबर रिमेम्बर दैट इज कॉस्ट अपॉन कॉस्ट यूनिट बोथ हैव टू बी फॉर सेम पीरियड यहां पर मंथली कॉस्ट दिया है राइट right? तो जो एप्लीकेशन है वो भी मंथली ही लेने होंगे ओके okay? यहां पर तुमको कंफ्यूजन नहीं हुआ रीजन ने सही ढंग से दिया था बट हमेशा वो लोग सही ढंग से नहीं देंगे ओके सो बी केयरफुल। विद दिस वी कंप्लीट द सिक्स्थ सम वेल नाउ वी गो टू फिफ्थ सम बता देती हूँ अब देखो जैसे हमने प्रीवियस किया उसमें था होम लोन होम लोन में ऐसे लिख के दे दिया था कि ट्वेंटी बता दिया था बट जरूरी नहीं है कि तुमको ये एब्जॉर्प्शन रेट देकर रखे क्योंकि तुमको पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिखाया है क्या तुम अपने आप एब्जॉर्प्शन रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते राइट right? तो सब ऐसे ही रहेगा बट उसमें एब्जॉर्प्शन रेट नहीं दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज कवर कर रहे हैं क्वेश्चन सेवन में हमने पावर सेक्टर लिया क्वेश्चन सिक्स में हमने बैंकिंग लिया और अब क्वेश्चन फाइव में हम आईटी सेक्टर एक प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विस कॉस्टिंग कर रहे हैं ओके okay? So, we are growing in calculations. Also, we are covering the variety of service industries. Okay. Question 7. Sorry, question 5. Following on the data pertaining to Infotech Private Limited. Let's solve it.

Repairs and maintenance of the company is three lakhs. Administration overheads twelve lakhs. The company is executing a project XYZ. The details of the same are as follows: Project manager, project duration is six months. One project leader will be required. Three software engineers will were involved for the entire duration of the project. Project manager is spending two months effort during the execution of the project travel expenses will be 187,500. two laptops were purchased at the cost of 50000 each for use in the project and the life of the same is estimated to be years prepare project cost sheet Now friends just like the previous sum loan mein ek home loan tha वैसे इधर ही infotech private limited mein ek project hai. the above cost is given for the company as a whole यू हैव टू मेक द कॉस्ट शीट फॉर द प्रोजेक्ट एक्सवाइजेड तो ये कैसे करेंगे तो प्रोपोर्शन कॉस्ट लेंगे राइट लेट सी गे द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स रुपी अब इसमें सबसे पहले सी इन ऑर्डर ऑफ द प्रोजेक्ट डिटेल्स उसमें लिखा है वन प्रोजेक्ट लीडर एंड थ्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉर इन वर इन्वॉल्व फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कीप इन माइंड द प्रोजेक्ट इज ऑफ सिक्स मंथ्स ओनली तो सैलरी ऑफ वन प्रोजेक्ट लीडर

225000 this will be salary of the project leader then next salary of software engineer we need 3 software engineers so the salary given is 15 lakhs for 5 so 3 by 5 and our project duration is 6 months so we take proportionate, 15 lakhs into three by five divided by two. Salary will be 4 lakh 50 thousand. Next, project manager. There is only one project manager. Salary six lakhs. He spends two months efforts. Salary of project manager 6 lakhs into 2 months so 2 by 12 months you get 1 lakh correct friends तो ये जो सब सैलरी कॉस्ट है कंपनी का उसमें से प्रोपोर्शनेट कितना ये प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होता है वो हमने देख लिया ओके okay? अभी कंपनी के लिए तो और भी दो खर्चे हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस थ्री लैक्स एडमिन ओवरेज ट्वेल्व लैक्स ये दो कंपनी के ओवरेज है अभी ये ओवरेज पूरी कंपनी के हैं तो कंपनी तो अपने कस्टमर से रिकवर करेगी हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा चार्ज करेगी तो क्या ये खर्चा ये प्रोजेक्ट में आना चाहिए ऑफ कोर्स यस सारे कॉस्ट थोड़े थोड़े आने चाहिए तो कितना आना चाहिए ये ओवरेज है क्या इसका एब्जॉर्प्शन रेट दिया है नो no. पिछले सम में दिया था ट्वेंटी फाइव परसेंट इधर दिया नहीं है तो हमको ये पता करना होगा कि यार इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है और हम कितना चार्ज कर सकते हैं तो एक काम करो जो तुमने कॉस्ट शीट बनाया है ना उसमें और सात आठ लाइन छोड़ दो और आगे लिखो वर्किंग नोट वन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है ओके ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है अब ओवरेज है एब्जॉर्पन रेट कैसे निकालना है स्पेसिफिकली इज नॉट गिविनट वरी वी नो एवरीथिंग अबाउट ओवरेज राइट हमारी एक प्रोफेसर है दिवांगी मैम उसने बहुत डिटेल में करवाया था अगर याद हो तो कंसेप्ट नंबर टू ने बताया था कि देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट आउटपुट मेथड क्या इधर आउटपुट के तरीके से किया जाना चाहिए जैसे कंपनी है कंपनी में चार प्रोजेक्ट आए तो सबको इक्वली चार्ज करे ओवरेज नो हर प्रोजेक्ट अलग ड्यूरेशन का होता है हर एक प्रोजेक्ट की डिमांड्स अलग होंगी तो आउटपुट मेथड विल फेल ओवर लेबर आर्स इधर कोई आर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है मशीन आर्स इधर कोई मशीन का नहीं है लेबर कॉस्ट क्या हो सकता है इधर हाँ सैलरी इज लाइक लेबर कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट तो सवाल नहीं है प्राइम कॉस्ट तो नॉट पॉसिबल तो ओनली ऑप्शन विच वी सी योर इज लेबर कॉस्ट मैन And labor is nothing but salaries. Open. So, yes, this Infotech Private Limited Company can use the absorption method of labor cost method. See, in case you don't remember how I come to know about labor cost method, let me give you this in writing. Output method, it fails. Why? Because projects, sorry. प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट लेबर आर मशीन आर मेथड ये तो पॉसिबल ही नहीं है लेबर कॉस्ट मेथड ये दिस कैन वर्कआउट आगे के दो जो मेथड है मटेरियल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट दर इज नथिंग लाइक मटेरियल तो प्राइम कॉस्ट भी नहीं तो इधर नॉट पॉसिबल सो फ्रेंड्स आउट ऑफ द सिक्स टाइप्स ऑफ एब्सॉर्शन रेट्स दैट वी नो द वन दैट इज सुटेबल इज ओनली लेबर कॉस्ट सो लेट अस कैलकुलेट द एब्सॉर्प्शन रेट यूजिंग लेबर कॉस्ट मेथड तो लेबर कॉस्ट मेथड व्हाट डज इट से इट विल बी बजटेड ओवरेज अपॉन बजेड लेबर कॉस्ट इन टू हंड्रेड इधर जो दिया है वही बजटेड लेना चाहिए बजटेड एंड एडमिन को ऐड करो फिफ्टीन लैक्स इज द ओवरेज कॉस्ट एंड लेबर इज नथिंग बट ऑल सैलरीज फिफ्टीन लैक्स प्लस नाइन लैक्स Plus 6 lakhs. Correct friends. ye labor cost in 200. You get 15 lakhs upon 30 lakhs in 200. Friends, you get 50%. What does this mean? Therefore, your overheads will be 50% of salary cost. This is how you should charge your overheads to every project. जो प्रोडक्ट में जितनी सैलरी बुक करोगे जो प्रोजेक्ट में जितनी सैलरी बुक करोगे उसमें फिफ्टी परसेंट ओवरेज कॉस्ट ले लो ओके okay? ये जो मैंने लिखा है दिस इज नॉट टू बी रिटन इन एग्जाम दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट मुझे कैसे पता चला लेबर कॉस्ट मेथड यूज कर। अभी हमको सैलरी का कॉस्ट तो पता ही है प्रोजेक्ट के लिए सो लेट्स टेक द टोटल सैलरी कॉस्ट ओवर योर for this project what is the total salary cost friends 225 plus 4 fifty plus plus 1 lakh it gives you 775000 so now we will add overheads overheads will be 50% of salary that is 775000 50% is 387500 तो ये खर्चा का हो गया तो सैलरी कॉस्ट ले लिया ओवरेज कॉस्ट ले लिया ये तो कंपनी का खर्चा था इसमें से कितना एक्स वाई जेड के लिए वो आ गया अब क्या कोई ऐसा खर्चा है जो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड के लिए है जी हाँ वो भी है किधर है इट्स गिवन बिलो ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड एड कर दो ट्रेवल एक्सपेंसेज वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड उसके बाद में है टू लैपटॉपेस एट द रेट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इच फॉर दूस इन द प्रोजेक्ट एंड लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिटेड टू बी टूर्स डेप्रीसिएशन ऑन लैपटॉप आता है राइट कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप इज फिफ्टी थाउजेंड माइनस जीरो स्क्रैप वैल्यून दाइफ इज टू ईर्स वी गेट डेप्रीसिएशन पर एनिम तो हमको सिक्स मंथ्स के लिए यूज करना है और ऐसे दो लैपटॉप्स है फ्रेंड्स प्लीज गेट इट यू गेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एज योर डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप्स ठीक है चलो हमें मिल जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट check out what do you get 13 lakh 75000 फ्रेंड्स ये है हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो देखो हम कैसे ग्रो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन वी जस्ट वी वर जस्ट गिवन कॉस्ट वी जस्ट हैव टू टेक ऑल द कॉस्ट एंड डिवाइड बाय यूनिट्स क्वेश्चन टू हैड टू टेक प्रोपोर्शन बट स्टिल प्रपोर्शन हैलकुलेट दट प्रपोर्शन राइट एब्सॉर्प्शन रेट

If you have any doubt, please approve. Now, friends, having done the power sector, bank, home loan, and this project, IT industry, friends, now let us do something about transportation. Transportation can be movement of passengers, movement of goods, right? Transportation of passengers from one place to another, and that of goods. We have both the things. Let us go to question number one. Let's read this ABC Limited, ABC Transport Company has given a route. फोर्टी किलोमीटर्स लॉन्ग टू रन बस मतलब फोर्टी किलोमीटर लॉन्ग मतलब इतना लंबा है ये रास्ता मतलब किलोमीटर इतना लंबा है मतलब एट स्ट्रेच इतना जाना पड़ेगा राइट द बस कॉस्ट असम ऑफ टेन लैक्स इट हैज बीन इंश्योर्ड एट थ्री परसेंट पर एनिम The annual tax will be 20,000. Garage rent twenty thousand per month. Annual repairs will be two lakh Bus is likely to last for two and a half years. This is life of the bus. Driver's salary will be 30,000 per month. Conductor's salary will be 20,000 per month in addition to 10% of the takings. Takings means sales. 10% of sales as commission to be shared by the driver and conductor equally. Cost of stationery will be 1000 per month. Manager cum accountant salary is 70,000 per month. Petrol and oil will cost Rs. 500 for 100 kilometers. The bus, will take, the bus will make 3 up and down trips, carrying on an average 40%, 40 passengers in each trip. The bus will run on an average 25 days in a month. Assuming 15% profit on takings, calculate the bus fare to be charged from each passenger. Right friends, हर एक पैसेंजर के पासे कितना फेर लेना चाहिए वो पूछा गया है, क्या? तो चलो अब हम इसको कैसे करेंगे? फ्रेंड्स तो एक एक आइडिया हम पहले लेते हैं सम में क्या है ये कंपनी है ओके okay? इसके पास कितना बस है एक बस ठीक है इसने एक रूट सेट किया है चालीस किलोमीटर जाने का चालीस किलोमीटर आने का ये एक रूट है और कोई रूट नहीं है मतलब हर पैसेंजर यही रूट से जाएगा यही रूट से वापस आएगा ओके okay? और काफी सारे खर्चे दिए हैं लिखा है बस विल मेक थ्री अप एंड डाउन ट्रिप्स मतलब तीन बार जाएगा तीन बार वापस आएगा इन ऑल थ्री ट्रिप्स इन अ डे और हर एक ट्रिप में चालीस पैसेंजर्स होंगे ठीक है बस एक महीने में पच्चीस दिन चलेगा ओके okay? अभी जब कोई ट्रांसपोर्टेशन का सम आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो जस्ट याद करो हमने पावर के लिए क्या सोचा

ठीक है, दोनों चीज भी हम ले सकते हैं तो इधर पैसेंजर किलोमीटर्स लेकर कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ये कैलकुलेशन और फिर टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स ये दूसरा कैलकुलेशन न्यूमरेटर टोटल कॉस्ट डिनोमिनेटर पैसेंजर किलोमीटर्स इसे डिवाइड करो यू गेट द फेयर टू बी चार्ज फॉर द पैसेंजर्स समझ गया कंसेप्ट फिर से एक बार चाहिए तो लिख के बताती हूँ तुमको चाहिए बस फेयर है ना तो ये कंपनी टोटल कितना सेल्स करेगी दैट इज वॉट इट विल रिकवर मैंने टोटल कॉस्ट बोला एक्चुअली प्रॉफिट भी ऐड कर दो मतलब जो भी रिकवर करना है दैट इज टोटल सेल्स दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स राइट तो तुमको इंडिविजुअली दो वर्किंग करने हैं एक तो टोटल सेल्स का फिगर निकालो और दूसरा टोटल पैसेंजर किलोमीटर का फिगर निकालो फिर डिवाइड करो तुमको बस फेयर मिल जाएगा याद रहे दोनों भी न्यूमिलेटेड डिनोमिनेटर सेम पीरियड के लिए होने चाहिए ठीक है तो लेट अस सेट अप पीरियड लेट अस डू इट पर एनम ओके okay, सारे फिगर्स हम पर एनम लेंगे दूसरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स के होने चाहिए इफ यू टेक टोटल कॉस्ट फॉर अ बस द टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर अ बस ओके अगर ऊपर पांच बस का लेते हो तो नीचे भी पांच बस का पैसेंजर किलोमीटर लेना बोथ बेसिकली वॉट वी हैव टू कैल्क्यूलेट

Calculation of passenger kilometers, ठीक है अब ये सम में ना बड़ा सिंपल है पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना बट सारे सम्स में सिंपल नहीं होता है तो मैं ना तुमको एक स्टैंडर्ड तरीका सिखाती हूँ अगर तुम वो तरीका कोई भी सम में यूज करोगे ना तुमको आंसर आ जाएगा ओके okay? तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट कर सिंपली टेक नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर मतलब कितने पैसेंजर कितना किलोमीटर ट्रेवल करते इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा तुमको पैसेंजर किलोमीटर अब इधर तो एक ही रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर चार रूट होते हैं तो चार रूट का अलग अलग करो ए टू बी इतने पैसेंजर्स इतना किलोमीटर बी टू सी इतने पैसेंजर्स इतना किलोमीटर सी टू पैसेंजर्स इतना किलोमीटर सबका अलग अलग कैलकुलेट करो फिर टोटल ले लो राइट सो दिस एवरीवेयर दिसमुलाट यू हैव टू डू फॉर पैसेंजर फ्रेंड्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ किलोमीटर्स फिर कितने भी ट्रिप्स देने दो कितने भी आड़े तेडे ट्रिप्स देने दो तुम्हारा वर्किंग यही रहेगा सिर्फ उसमें तीन चार स्टेप्स करके टोटल ले ले ओके okay? तो इधर कैसे करेंगे देर इज ओनली वन वे राइट तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं बस की कितनी कैपेसिटी है इट्स गिवन रीड द सम 40 पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे ये लिखा है मुझे पता है पर बस की कितनी कैपेसिटी है ये नहीं दिया है ओके तो हमको डायरेक्टली कितने पैसेंजर्स है वो दे दिया है। तो वी टेक 40 पैसेंजर्स इसके बदले वो लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई 50 इज द कैपेसिटी ऑफ द बस मतलब सीट सिर्फ 50 के 50 पैसेंजर्स कैन सिट बट ओनली 80% इट इज ऑक्यूपाइड तो ऐसा करके भी वो लोग इंफॉर्मेशन दे सकते थे पर वो लोग ने डायरेक्टली दे दिया कि इतने पैसेंजर्स ही है तो दे विल गिव यू ऑक्यूपेंसी एंड दे गिव यू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई करके तुमको ये मिल सकता है द डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली ले लो 40 पैसेंजर्स है ओके अभी हर पैसेंजर कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है ये देखना तो तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है <coughs> फोर्टी किलोमीटर वन वे है तो जाने का फोर्टी आने का फोर्टी करेक्ट अब डाउन टू प्रो तो एक पैसेंजर चालीस किलोमीटर जाएगा चालीस किलोमीटर आएगा एक पैसेंजर एटी किलोमीटर ट्रेवल करता है इन अ ट्रिपेट फ्रेंड्स दिस इज फोर्टी पैसेंजर्स एक ट्रिप में फोर्टी पैसेंजर्स एक ट्रिप में और हर एक पैसेंजर एटी किलोमीटर करता है और ऐसे थ्री ट्रिप्स होते हैं एक दिन के और ऐसे पच्चीस एक महीने के और हमको पर एनम चाहिए तो वी मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व मंथ्स फ्रेंड्स व्हाट विल बी पैसेंजर किलोमीटर फॉर अ ईयर टेल मी फोर्टी multiplied by 80 multiplied by 3 multiplied by 25 multiplied by 12 yes you get 28 lakhs 80000 passenger kilometers right number of passengers into number of kilometers passengers diya tha. kilometers 40 going 40 coming back right 80 kilometers in a trip ऐसे तीन ट्रिप्स होते हैं एक दिन के ऐसे 25 दिन हम काम करेंगे एक महीने के और ऐसे 12 महीने हमें काम करना है यू गेट ट्वेंटी एट लैक एटी थाउजेंड पैसेंजर किलोमीटर आई होप यू अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स नाउ रिमेंबर मैंने बताया तो फेयर कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए सेल्स चाहिए पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो हमने पैसेंजर किलोमीटर निकाल लिया ओके okay? अब हम टोटल सेल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो गिव द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग्स बेटा टेकिंग्स और सेल्स एक ही बात है पर एनम particulars rupees. so friends, chalo, let's calculate total takings.

depreciation on bus 10 lakhs is the cost right then is it scrap value given no and what is the life of the bus it is given in point number 6, 2.5 years. So, we will get depreciation per annum. That is 4 lakh rupees. Correct friends, ye mujhe depreciation mil The next cost is, it has been insured at 3% per annum. So, insurance of bus. थ्री परसेंट पर एनम लेंगे थर्टी थाउजेंड मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया देन थर्ड इज एनुअल टैक्स रिमेंबर ये ना वेहीकल का टैक्स है ठीक है ये रोड का टैक्स होता है ये इनकम टैक्स नहीं है जो कौशिक में नहीं आएगा ये बिजनेस रिलेटेड टैक्स है जैसे अपना जीएसटी वगैरह आता है बिजनेस में ये भी आएगा एनुअल टैक्स इज ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड एनुअल लिखा तो ये पर एनम ही है देन फोर्थ गैरेज रेंट रेंट दिस ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ तो हमको तो ट्वेल्व मंथ्स के लिए लेना है राइट right? तो so, कितना होगा इट विल बी टू लाख फोर्टी थाउजेंड ये गैरेज रेंट हो गया दिस एनुअल एनुअल रिपेयर्स ही दे रखा है सो नो प्रॉब्लम एज सच टू लैक फोर थाउजेंड देन बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर टू पॉइंट फाइव इन वो देख लिया ड्राइवर्स सैलरी

12 मंथ्स करेंगे तो कितना आता है फ्रेंड्स? ,00 ये पॉइंट हम outstanding रखते हैं क्योंकि ये टेन परसेंट ऑफ सेल्स है हमको सेल्स पता नहीं तो कमीशन कैसे लिखे वी नो देर इज कॉस्ट लाइक दिस बट एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट असाइड बाकी के सारे कॉस्ट लिख दो आगे है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी वन थाउजेंड पर मंथ ट्वेल्व थाउजेंड मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी सेवेंटीन थाउजेंड पर मंथ है यू गेट टू लैक फोर थाउजेंडन पेट्रोल एंड ऑयल पेट्रोल एंड ऑयल दिस इज गिवन एज फॉर हंड्रेड किलोमीटर्स इट इज रुपीज फाइव हंड्रेड तो हमारे कितने किलोमीटर्स है जो ऊपर निकालना ट्वेंटी एट लैक्स एटी थाउजेंड ये किलोमीटर्स नहीं है सिर्फ ये भी ये पैसेंजर है इधर जो चाहिए वो मेरे को सिर्फ किलोमीटर्स चाहिए तो मेरे को पता नहीं है कमीशन कॉस्ट बाकी है और इधर पेट्रोल ऑयल को भी हम बाकी रखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और कोई कॉस्ट है क्या यस नहीं खत्म हो गया तो ये एक मिल जाएगा सपोज अगर ये मुझे मिल गया पेट्रोलियन ऑयल तो आई कैन गेट टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन राइट फ्रेंड्स सारे खर्चे मिल गए कमीशन को छोड़कर तो मुझे अब इसमें मेरा कमीशन एड करना है फिर मुझे प्रॉफिट भी ऐड करना है और ये दो चीज ऐड करने के बाद मुझे मिल जाएगा मेरा टोटल सेल्स और टोटल टेकिंग्स राइट सो लेट्स नाउ वर्क आउट टोटल किलोमीटर्स वो पेट्रोल एंड ऑयल फिर कमीशन कैलकुलेट करेंगे फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स मिल गिव द हेडिंग वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स अभी जिसको पैसेंजर किलोमीटर आता है ना उसके लिए किलोमीटर कोई बड़ी डील नहीं है उधर हमने पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड किया था इधर पैसेंजर्स लेना ही ले नहीं है सिर्फ किलोमीटर लेना है सो इट विल बी सिंपली वन बस राइट मेक्स 40 प्लस फोर्टी ट्रैवल इन इनर ट्रिप ऐसे तीन ट्रिप्स है एक दिन के ऐसे हमको 25 दिन ट्रैवल करना है राइट right? 25 डेज और ऐसे 12 मंथ्स ट्रैवल करना है सो फ्रेंड्स द टोटल किलोमीटर किलोमीटर्स राइट तो टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल द बस बात सेवेंटी टू थाउजेंड सौ किलोमीटर का 500 सौ रुपया है सेवेंटी टू थाउजेंड का कितना होगा इटव थ्री लैख सिक्स थाउजेंड रुपीज तो मुझे मिल गया पेट्रोल एंड ऑयल नाउ लेट्स टेक द टोटल टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन चलो फोर लैक्स प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू लैख फोर्टी टू लैख फोर प्लस थ्री लैख सिक्सटी प्लस थ्री लैक्स फ्रेंड्स एक्सक्लूडिंग यू गेट ट्वेंटी वन लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है अगर ये मिल जाता है तो अब तुम्हें दो मिनट बहुत फोकस करना पड़ेगा मैं कमीशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती हूँ उस पर ठीक है कमीशन के बारे में क्या लिखा है फ्रेंड्स कमीशन इज टेन परसेंट ऑफ सेल्स फिर कंडक्टर ड्राइवर इक्वली शेयर कर दे बट हमारे तो टेन परसेंट कॉस्ट हो गया और प्रॉफिट कितना बोला है प्रॉफिट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ सेल्स तो अगर मैं सेल्स को हंड्रेड अज्यूम करूं ठीक है तो मेरा प्रॉफिट फिफ्टीन परसेंट होगा और मेरा टेकिंग्स है राइट right? अगर सेल्स हंड्रेड है तो प्रॉफिट फिफ्टीन है तो कमीशन टेन है तो कैन यू टेल मी वॉट विल बी टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन रिवर्स जाओ तो माइनस होगा हंड्रेड माइनस फिफ्टीन माइनस टेन यू गेट सेवेंटी फाइव करेक्ट फ्रेंड्स तो बस अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड कमीशन एंड प्रॉफिट ट्वेंटी एट लैख फोर्टी थाउजेंड फोर लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट एंड टू लैख एटी फोर थाउजेंड कमीशन दी तो ये हो गया मेरा टोटल टेकिंग्स का कॉस्ट तो टोटल टेकिंग्स का वर्किंग सॉरी कुछ लोग एक्स लेकर करते हैं ये ज्यादा सिंपल है एक इक्वेशन एक बनाते हैं बट बिलीव मी ये ज्यादा सिंपल है कमीशन है ना अलग से तो बाकी सब कॉस्ट को ऐड कर दो तो यू गेट टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन फिर जैसे प्रॉफिट है फिफ्टीन परसेंट वैसे ही कमीशन है तो दोनों को साथ में लिखो ओके प्लीज कंप्लीट दिस सो फ्रेंड्स वी कैलकुलेटेड टोटल टेकिंग्स अब अगर तुम देखो हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी थी टोटल टेकिंग सॉज टोटल सेल्स एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर हम वो दोनों चीज कैलकुलेट कर चुके हैं अब फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं देफो बस फेर पर पैसेंजर किलोमीटर इट विल बी टोटल टेकिंग्स अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारा टोटल टेकिंग्स आया है ट्वेंटी एट लैक फोर्टी थाउजेंड एंड हमारे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स है सेवेंटी टू सॉरी टोटल है ट्वेंटी एट लैक्स एटी थाउजेंड यस व्हाट इज आंसर 0.9861 पैसेंजर किलोमीटर इसका ये मतलब होता है कि अगर एक पैसेंजर एक किलोमीटर ट्रैवल करे रिमेंबर फेर पर पैसेंजर किलोमीटर मतलब अगर मैं एक पैसेंजर हूं और मैं अगर एक किलोमीटर ट्रैवल करती हूं तो मुझे पॉइंट नाइन एट सिक्स वन का फ़ेयर देना पड़ेगा ठीक है ये एक पैसेंजर का एक किलोमीटर का फेयर है बट इधर ना यह सब में रूट फ़िक्स्ड है कि जो पैसेंजर है वो फोर्टी किलोमीटर जाता है फोर्टी किलोमीटर्स आता है ठीक है तो अगर तुम सिंगल टिकट की बात करो सिंगल टिकट मतलब वन वे वन वे की बात करो तो बंदा फोर्टी किलोमीटर ट्रैवल करता है तो फोर्टी किलोमीटर्स के लिए टिकट कितने का होगा तो अगर एक पैसेंजर सिर्फ जाता है वापस नहीं आता है तो इट वुड बी थर्टी नाइन पॉइंट फोर 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 और उसको रिटर्न टिकट चाहिए मतलब टू वे जाने का भी आने का भी जैसे हर पैसेंजर इधर है so it would be 80 kilometers into 0. 0.9861 so friends kitnaya 80 into 0. 0.9861 you get 78.888 got it friends so this is the way we calculate passenger kilometers and then how we charge it we calculate total sales and then we charge it okay so, this is the sum that we did for transportation industry and in that transportation of passengers. Now, our next sum is goods. Ka hai. Complete this, then we would do that also. So, friends, now let us do again transportation but this time of not transportation of passengers but goods. के स्टार्ट लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू जी टी एस एज अ लॉरी ऑफ सिक्स टन कैरिंग कैपेसिटी एक कंपनी के पास ए लॉरी है जिसकी कैपेसिटी है छ टन कैरी करना इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू बी It charges twenty four hundred per ton from A to B and two thousand two hundred per ton for the return journey from B to A. Goods are also delivered to intermediate station C, but no concession or reduction in rates is given. Distance between A to B is three hundred, and distance from A to C is one forty okay so mana I, like I would advise KiumbiSA. ये है सिटी ए ये है सिटी बी और इन दोनों के बीच में है सिटी सी ओके नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 300 किलोमीटर्स पूरा डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स का है एंड ए टू सी डिस्टेंस इज वन फोर्टी किलोमीटर्स तो फ्रेंड्स अफकोर्स यू कैन गेस वॉट विल टू बी इट विल बी वन सिक्सटी किलोमीटर्स करेक्ट तो हमको ये मिल गया और जब हम गुड्स ए टू बी ट्रांसफर करते हैं पूरा ए टू बी वी गेट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पर टन राइट देखो अब ना इसमें बीच में अगर स्टेशन सी आया और तुमने गुड्स अनलोड किया तो भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा यू हैव टू पे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड वैसे ही रिटर्न के लिए टू थाउजेंड टू हंड्रेड पर टन का रेवेन्यू मिलेगा ओके दिस दिस इज वॉट वी फाइंड इन शेयर ऑटोज यू नो टांगा वाला होता है तो वो

अभी इन जनवरी 2020 नाउ द डिटेल्स आर गिवन फॉर वन मंथ मेक श्योर पीरियड एक वन मंथ का है फॉर द जनवरी मंथ द ट्रक मेड ट्वेल्व आउटवर्ड जर्नी फॉर डिटेल्स ऑफ द जर्नीज़ आर एज फॉलोज ए टू बी दस जर्नी किया सिक्स ट मतलब ए टू बी लेट मी चेंज द कलर ए टू बी पूरा दस जर्नीज में पूरा जो कैपेसिटी है छह टन का यूज किया है बीच में रुका भी नहीं कुछ अनलोड भी नहीं किया ओके? Okay? वैसे तो ट्वेल्व आउटवर्ड जर्नी है उसमें से दस जर्नी में ऐसे किया बाकी दो जर्नीज में ए टू सी इट वॉज सिक्स टन यानी दो जर्नीज में ए टू सी वी कैरिड फुल लोड और नेक्स्ट लिखा है सी टू बी इट इज टू जर्नीज विथ फोर टन्स। इसका मतलब शायद सिटी सी आ रहेगा तो दो टन उतार दिया रहेगा यू कैन मेक आउट इधर सिक्स टन से इधर फोर टन है मतलब सिटी सी आ रहेगा तो दो टन अनलोड कर दिया रहेगा तो दिस इज अबाउट ऑनवर्ड जर्नी ऑनवर्ड मतलब जाना गोइंग टू अभी फ्रो बाकी है कमिंग बैक के लिए अलग कलर लेते हैं ए टू बी फाइव जर्नीस सॉरी बी टू ए फाइव जर्नीस विथ एट ट्स यार इसमें तो कांड किया है कांड किया है क्या छह टन की कैपेसिटी है आठ टंस ले लिया है ठीक है फिर बी टू एदर यू हैव सिक्स जर्नीज सिक्स टंस

उसमें से पांच जर्नी में आठ टन लिया तो बारह में से पांच का दिया तो सेवन जर्नीज़ का क्या तो वो सेवन में से सिक्स जर्नीज़ में फुल सिक्स टन गया ठीक है उसमें नो प्रॉब्लम इट वाज प्रॉपरली लोडेड ओनली सिक्स टन तो अभी एक और जर्नी बाकी रह गई राइट फाइव प्लस सिक्स इज इलेवन एक आखिरी जर्नी जो है इट वॉज ए टू सॉरी बी टू सी वन जर्नी सिक्स टन बट इधर वन जर्नी जीरो टन इसका मतलब ये एक जर्नी में छह टन गया सी पर पूरा अनलोड कर दिया तो सी टू ए आगे कुछ गुड्स गया ही नहीं है तो ये है रिटर्न जर्नी वॉट इट फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से देख लो स्पेशली रिटर्न जर्नी देर टू बी ट्वेल्व रिटर्न जर्नी

ऑल्सो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी तो चलो मैं ये कमर्शियल टेन किलोमीटर्स और एब्सुलूट टेन किलोमीटर्स बता देती हूं गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स अब इसमें दो टाइप्स के टन किलोमीटर्स पूछे एक एप्सुल्यूट और एक कमर्शियल सबसे पहले मैं एप्सुलूट समझाना चाहूंगी एप्सुलूट टन किलोमीटर्स नाउ एप्सुलूट टन किलोमीटर्स आर कैलकुलेटेड जस्ट एज यू कैलकुलेटेड पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया था पैसेंजर किलोमीटर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन टू नंबर ऑफ किलोमीटर्स सिमिलरली कैलकुलेटिंग टेन किलोमीटर जर्नी का टेंस इंटू किलोमीटर्स टेंस इंटू किलोमीटर्स करते जाओ और सबको एड कर देना ठीक है तो चलो कैलकुलेट करते हैं एप्सुलट टेन किलोमीटर्स उसमें सबसे पहले ऑनवर्ड जर्नी के लिए कैलकुलेट ऑनवर्ड जर्नी में जस्ट लुक एट आर डायग्राम ऑनवर्ड जर्नी ये रेड वाला है और उसमें हम पहले ए टू सी ले लेते हैं ए टू सी अभी ए टू सी राइट ये रेड वाली दो जर्नीज है तो देर आर टेन जर्नीज विथ सिक्स टर्स एंड टू जर्नीज विथ सिक्स टर्स मेकिंग वन फोर्टी किलोमीटर्स ट्रेवल टेन जर्नीज इंटू सिक्स टंस ये मुझे मिल जाएगा टोटल टनस इंटू टोटल किलोमीटर्स वन फोर्टी किलोमीटर्स राइट वैसे ही फॉर्दर यू हैव टू जर्नीज विन फोर्टी किलोमीटर्स ओके ये मुझे ए टू सी का ए टू सी का मुझे टन किलोमीटर्स मिल जाएगा गेट द आंसर फ्रेंड्स टेन इंटू सिक्स इंटू वन फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड टू इंटू सिक्स वन फोर्टी वन सिक्स जीरो ऑनवर्ड जर्नी का है और उसमें सिर्फ ए टू सी लिया अभी ऑनवर्ड जर्नी में ए टू सी ले लिया अभी सी टू बी लेते हैं यानी ये दोनों आएगा ओके सी टू बी

ट वन टू एट जीरो हो गया मेरा टोटल ऑनवर्ड जर्नी का यू कैन गेट द टोटल ऑनवर्ड जर्नी का कितना आता है इट इज ट्वेंटी थाउजेंड एंड नाइन सिक्सटी सिमिलर कैलकुलेशन हैजू बी डन फॉर रिटर्न जर्नी फ्रेंड्स रिटर्न जर्नी में हम पहले हम पहले रिटर्न में पहले बी टू सी लेंगे यानी ये तीन चीजें आएंगी ओके बी टू सी You have 5 journeys into 8 tons, 6 journeys into 6 tons, and 1 journey into 6 tons. 5 journeys into 8 tons, 6 journeys into 6 tons, and 1 journey into 6 tons. And all these are for 160 kilometers. V2C is 160 kilometers. 5 into 8 into 160, you get 6,400 and सिक्स इंटू सिक्स इंटू वन सिक्सटी इज आई सेवन सिक्स जीरो इंटू वन सिक्सटी इज नाइन सिक्सटी ये रिटर्न जर्नी में सिर्फ बी टू सी का हुआ अब आगे जाते हैं सी टू ए सी टू ए में भी तीन चीजें हैं Five journeys into eight tons, six journeys into six tons, and one journey into zero tons. And all this A to C is for one forty kilometers. Five into eight into one forty. Five thousand six hundred Anything multiplied to by zero is zero. So return journey ka total low friends. You get twenty-three thousand seven sixty and the grand total total absolute. टन किलोमीटर्स इट इज फोर्टी फोर थाउजेंड एंड सेवन ट्वेंटी फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस दिस इज जस्ट लाइक पैसेंजर किलोमीटर्स इधर टर्स और किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करना है और बहुत सारे वेरिएशन है तो कोई बात नहीं हम एक एक करके लिखेंगे सिस्टमैटिकली करने का तो कब भी गलत नहीं जाएगा प्लीज कंप्लीट दिस सो वी हैव वर्कड आउट एप्सलू टेन किलोमीटर्स और अब बात करते हैं कमर्शियल टेन किलोमीटर्स की यार ये कमर्शियल टेन किलोमीटर्स है क्या इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है तो गिव द हेडिंग ए पार्ट कमर्शियल टन किलोमीटर मैंने ना तुमको एक बात पहले भी बोली है कि कभी भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है एक बार ग्रिप आ गया एक बार समझ में आ गया लॉजिक समझ गया तो हम सब कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं द रियल डिफिकल्टी मैंने एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग में ये बात बोली थी द रियल डिफिकल्टी लाइज इन गैदरिंग द डेटा राइट कि कौन सा एक्टिविटीज है कितना कॉस्ट ड्राइवर है सेम थिंग अप्लाइज इधर तुमको सब डेटा मिल चुका है कि इतने ट्रक्स है इतने किलोमीटर है इतने जर्नीज है इतना कॉस्ट है राइट तुमको क्या करना है प्लस करना है माइनस करना है डिवाइड करना है तुम कर क्या रहे हो बस यही द रियल डिफिकल्टी लाइज इन गैदरिंग डेटा कौन मेजर करता है यार इतने किलोमीटर है कौन देखते बैठेगा कि ये ट्रिप में इतने टन गए थे जस्ट इमेजिन तुम रेलवेज का कैलकुलेशन कर रहे हो स्पेशली मुंबई वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न लोकल दिमाग काम नहीं करेगा ट्रेन बोरिवली से स्टार्ट होती है चर्च गेट तक जाती है है ना? बीच में कौन चढ़ता है कौन उतरता है कैन यू कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर इन दैट डिफिकल्ट आई वुड से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कौन चेक करते बैठेगा कि ये ट्रेन में इतने लोग आए थे रिजर्वेशन थोड़ी ना होते हैं लोकल ट्रेन इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कमर्शियली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं बेटा जो हम बुक्स में करते हैं इनफैक्ट कर पाते हैं वो है एप्सिलो टन किलोमीटर बिकॉज वी एग्जैक्टली नो कि ये ट्रिप में ये डिस्टेंस है इधर इतना टन से ये डेटा हमको दिया जाता है कमर्शियली ऐसा डेटा मिलना पॉसिबल नहीं है तो कमर्शियली हम ये करते हैं वी टेक टोटल टनस सॉरी टोटल किलोमीटर्स जो भी तुम्हारी ट्रिप है उसका टोटल किलोमीटर ले लो मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज ऑफ द लोड हमने इधर एप्सलूट uh, में हर एक डिस्टेंस को उसके रिस्पेक्टिव लोड से मल्टीप्लाई किया कि ये किलोमीटर में इतना लोड था ये किलोमीटर में इतना लोड था क्योंकि हमको पता था राइट right? क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा बट प्रैक्टिकल लाइफ में ही, इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है तो हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस तो पता चल ही जाएगा ना वो थोड़ी ना कभी चेंज होता है पर जो लोड है वो चेंज होता रहता है तो हम सिंपल एवरेज ऑफ द लोड ले लेते हैं तो कैसे आएगा तो आई से टोटल किलोमीटर्स विल बी थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड राइट फ्रेंड्स है ना ए टू बी थ्री हंड्रेड बी टू ए थ्री हंड्रेड दिस इज द टोटल लोड टोटल डिस्टेंस सॉरी अब लोड कैलकुलेट करना है तो वी टेक सिंपल एवरेज ऑफ द लोड वी टेक सिंपल एवरेज ऑफ द लोड तो कैसे कितना लोड कैलकुलेट होता है देखो ध्यान देना गुड द क्वेश्चन ए टू बी कितना लोड कैरी हुआ सिक्सटी करेक्ट ए टू सी ट्वेल्व सी टू बी एट राइट फिर रिटर्न जर्नी में फोर्टी थर्टी सिक्स सिक्स एंड जीरो टोटल इफ यू सी एम्स इज कैरीड इन आउटवर्ड जर्नी एंड अगर रिटर्न की बात करें तो इट इज एटी टू टैंस करेक्ट मैं इसका वर्किंग लिखवाती हूँ फ्रेंड्स सिंपल एवरेज ऑफ द लोड कैसे आएगा इसका वर्किंग इधर है सिंपल एवरेज ऑफ लोड हम पहले टोटल लोड निकालेंगे फिर एवरेज लेंगे तो टोटल लोड में ऑनवर्ड जर्नी ऑनवर्ड जर्नी में ए टू बी टेन जर्नीज इन टू सिक्स टनस मतलब सिक्सटी टन्स कैरी हुआ टोटल फिर ए टू सी टू जर्नीज इंटू सिक्स ट्वेल्व टन कैरी हुआ फिर सी टू बी टू जर्नीज में फोर टन मतलब एट टन कैरी हुआ तो इस जर्नी में टोटल एटी टन लोड कैरी हुआ है वैसे ही रिटर्न जर्नी का लेते हैं रिटर्न जर्नी में दिया है पहले बी टू ए

I hope you have understood this, friends. So, can you tell me what is the total load carried? What is total load? 80 tons in onward and 80 tons in return, you get total 162 tons ka load. Right? and now we will divide this by number of journeys that we have. we will get the simple average of load. अच्छा ये जो 162 टन्स है, वो कितने journeys में आया? कितने journeys में आया? तो अब journeys count करो, ये जो journeys है ना जे 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 जे, उसको count करो कितने जर्नीज आ रही तो जीरो है ट्वेंटी सिक्स जर्नीज चेक तो डिवाइडेड ट्वेंटी सिक्स जर्नीज वन सिक्सटी टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स जर्नीज यू गेट वॉट इज अवरेज यू गेट सिक्स पॉइंट टू थ्री जीरो एट ट सिक्स पॉइंट टू थ्री जीरो एट टंस करेक्ट और यही इधर लिख दो सिक्स पॉइंट टू थ्री जीरो एट टंस बेटा वो जीरो टंस वाला जर्नी काउंट ही नहीं किया जाएगा ओके okay? तो टोटल क्या आता है दिस इंटू सिक्स हंड्रेड this is total kilometers 600 right and this is the average load okay in every kilometer that you travel okay and there are how many such trips friends there are 12 trips or what you can do is ड्रेड किलोमीटर्स वी है ये एक जर्नी में एवरेज लोड विल बी दिसोमीटर तो कमर्शियली हम हर एक ट्रिप का नहीं जानते तो ऑन एन एवरेज सिंपल एवरेज करके लोड ले लेते हैं ओके okay? अभी ये ना कमर्शियल टन किलोमीटर मैंने कैलकुलेशन एक बड़े सम में लिया ये थियोरिटिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके okay? अगर तुम टेक्स्ट बुक में इसका थियोरी देखना चाहते हो तो मैंने प्रिंट किया है जो एग्जाम में आता भी है एप्सुलट टन किलोमीटर्स के लिए क्या करने का वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हर एक का वेट डिस्टेंस वेट डिस्टेंस जैसे हम यू नो ए टू बी वेट इनटू डिस्टेंस बी टू सी वेट इनटू डिस्टेंस ऐसे करते थे हर एक का अलग अलग करके फिर ऐड करने का क्योंकि मुझे हर किलोमीटर का अलग अलग वेट पड़ता होता है कमर्शियली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते वी टेक टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज ऑफ द लोड ओके कमर्शियली हम डेटा ऐसे गैदर करते हैं यू मस्ट रिमेंबर दिस तो हमने कैलकुलेट कर दिया कमर्शियल टन किलोमीटर्स एंड एप्सुलट टन किलोमीटर्स बाय द वे वो लोग ने पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर्स एंड एप्सुलट टन किलोमीटर तो अब तक हमको सिर्फ डिनोमिनेटर मिला है जैसे पैसेंजर किलोमीटर्स था इधर टन किलोमीटर्स डिनोमिनेटर मिला है अब हमको टोटल कॉस्ट निकालना होगा वंस यू फिनिश दिस वी कैन स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट so now let us calculate total cost statement showing total cost इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट डिटेल्स नहीं है you can see the paragraph below the table एनुअल फिक्स चार्जेस सिक्स लैक्स हम तो वन मंथ जनवरी के लिए कर रहे हैं तो वी विल टेक मंथली फिक्स चार्जेस विच विल बी सिक्स लैक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फिफ्टी थाउजेंड देटेनेंस चार्जेस वन लैख ट्वेंटी तो वी विल टेक मंथली मेंटेनेंस डिवाइडेड देन, रनिंग चार्जेस दिया है रनिंग चार्जेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है इट इज टू लैख नाइंटी फोर फोर हंड्रेड एंड इट इंक्लूड्स ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड पेड एज अ पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग जैसे हमने देखा रिटर्न जर्नी में इधर ओवरलोड किया था ओवरलोड किया तो किसी ने यू नो चेकिंग वेकिंग आया तो पेनल्टी मारते पुलिस लोग रास्ते पे राइट तो पेनल्टी दिया कितना ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड अब बताओ क्या पेनल्टी कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करना चाहिए भाई कस्टमर क्यों बुकते जैसे अगर तुम ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हो तो इट इज मेड फॉर थ्री पैसेंजर्स कोई लोग फोर्थ फिफ्थ अगल बगल में भी बैठा लेते हैं सबसे पैसे लेते हैं रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम एवरी बट मान लो कभी बीच में पुलिस ने पकड़ा तो क्या ड्राइवर जो पेनल्टी देगा पुलिस को वो अपने कस्टमर पैसेंजर से रिकवर करेगा नॉट पॉसिबल पैसेंजर देगा ही नहीं पैसेंजर तो ये बोलेगा ये तुम रिस्क ले रहे हो तुमको ज्यादा कमाने की मोह माया है है ना ये तुम रिस्क ले रहे हो हम क्यों पेनल्टी भुगते जब पुलिस नहीं पकड़ता है, तो एक्स्ट्रा इनकम तुम अपनी जेब में डालते हो तो पकड़ा है तो पेनल्टी भी तुम ही बैर करो तो रिमेम्बर फ्रेंड्स कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट होगा ना ये कस्टमर को चार्ज करने का नहीं तो वी विली फोर फोर हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड फोर पेनल्टी कॉस्ट विल नेवर बी चार्ज टू कस्टमर ट टू लैख एटी सेवन थाउजेंड तो वट इज द टोटल कॉस्ट दैट यू इनकर इन जनवरी मन थ्री लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड तो टोटल कॉस्ट मिल गया देफो कॉस्ट पर एब्सुल्यूट टन किलोमीटर कितना होगा इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल एप्सुल्यूट टेन किलोमीटर्स कितने हैं टोटल कॉस्ट इज थ्री लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड एंड टोटल एप्सोल्यूट टेन किलोमीटर्स कितना है ये रहा फोर्टी फोर सेवन ट्वेंटी यू गेट सेवन पॉइंट सेवन सिक्स टन किलोमीटर और सेम कैलकुलेशन ऑफ डू डू इट फॉर कमर्शियल टन टेन किलोमीटर्सो कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर्स ये कैसे आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कमर्शियल टेन किलोमीटर्स टोटल कॉस्ट तो वही से रहेगा थ्री लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाय कमर्शियल टेन किलोमीटर्स इज फोर्टी फोर एट सिक्सटी टू यू गेट सेवन पॉइंट सेवन थ्री पर टन किलोमीटर ओके तो इससे तुमको टन किलोमीटर का कैलकुलेशन समझा कमर्शियल और एब्सुलट के बीच का डिफरेंस भी समझ गया बट ये सम खत्म नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट दिस मैच ये सम में कॉस्ट तो पूछा ही है साथ में अगर तुम लास्ट लाइन रीड करो तो फ्रेंड्स इसमें तुमको प्रॉफिट और लॉस फॉर जनवरी भी पूछा राइट right? तो चलो अब बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस वो लोग ने रेवेन्यू दिया था टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अगर तुमको ए टू बी गुड्स भेजना है और टू थाउजेंड टू हंड्रेड अगर तुमको बी टू ए गुड्स लाना है तो राइट right? तो प्रॉफिट के लिए हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा तो लेट कैलकुलेट रेवेन्यू फर्स्ट वी विल कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर ऑनवर्ड जर्नी ठीक है अब इसमें यह भी याद रखो कि अगर बीच में कुछ अनलोडिंग हुआ है बीच में अगर कुछ अनलोडिंग हुआ है तो कोई कंसेशन मिलता नहीं है ओके तो लेट्स गो टू आर डायग्राम इसमें जर्नी को देखो बेटा जर्नी ऐसी है ए से स्टार्ट होती है बी तक टेन जर्नी सिक्स टर्न्स फुल है ना तो इसके लिए मेरे को टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पर टन मिलेगा राइट तो ए टू बी टेन जर्नीस सिक्स टन फुल टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पर टन तो वो दस जर्नी में मेरे को कितना कमाने मिल रहा है आई एम गेटिंग वन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड ओके और अभी और दो जर्नीज है अभी ये जो जर्नी है ना इसको व्यू करो टू जर्नीज यहां तक सिक्स आगे चार पर हम वो अनलोड किया बीच में उसको देखेंगे नहीं हम यही मानेंगे तो दो जर्नी में बिकॉज नो कंसेशन और रिडक्शन इन द रेट इज अलाउड इफ यू अनलोड इंटरमीडिएट स्टेशन सी हम ऐसे मानेंगे स्टार्ट किया छे से ना तो एंड तक छ का चार्ज लगेगा इट इज टू जर्नीज इंट सिक्स ट्स इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टन पर टन यू गेट टोटल ऑफ ट्वेंटी एट एट हंड्रेड तो ऑनवर्ड जर्नी से हमने कितना कमाया 172 800. टू वैसे हम सोचेंगे रिटर्न जर्नी के लिए फ्रेंड्स रिटर्न जर्नी मतलब बी टू ए ठीक है? अब फिर से डायग्राम को देखो ये है फर्स्ट जर्नी पांच जर्नी आठ टन जा रही है इसके लिए हमको टू थाउजेंड टू हंड्रेड पर टन मिलेगा जर्नीज इंटू एट टन इंटू टू थाउजेंड टू हंड्रेड पर टन Eighty eight thousand. Then, where's <clears throat> the diagram? Mein there are six journeys with six tons, full load. Six journeys with six tons. ट सेवेंटी नाइन टू हंड्रेड एंड देर इज वन मोर आउट रिटर्न जर्नी उसमें वन जर्नी विथ सिक्स टन बीच में जीरो हो गया तो देखने का नहीं हम पूरा छह टन का चार्ज लेंगे वन जर्नी इंटू सिक्स टन इंटू टू थाउजेंड टू हंड्रेड पर टन Thirteen two. So what is the amount that you earn in return journey? One lakh eighty thousand four hundred. So French, total revenue kit Three lakh fifty three two hundred. इसमें से तुम अपना टोटल कॉस्ट माइनस कर दो जो तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो अच्छा अब जस्ट एक बात समझो याद करो ऑटो वाला तुमको अगल बगल में बिठाता था है ना वो तुमसे पैसे लेता था बीच में पेनल्टी भर भरने, भरने भरना पड़ा तो क्या तुमने उसको पैसे दिए नो कस्टमर के नॉट बी चार्ज विद नॉर्मल कॉस्ट तो यार उसका तो पेनल्टी क्या ना जब कस्टमर को चार्ज करना है तब अबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट नहीं माना जाता कस्टमर के लिए बट जब वो रिक्शा वाला अपने घर जाएगा व्हेन ही गोस होम एंड ही कैलकुलेटस हिज ओन प्रॉफिट फॉर द डे अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या अबनॉर्मल कॉस्ट लेना चाहिए देखो कॉस्ट तो कॉस्ट होता है नॉर्मल हो या अबनॉर्मल वो प्रॉफिट को कम तो करेगा हां नॉर्मल कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करेंगे अबनॉर्मल नहीं बट एवरी कॉस्ट नॉर्मल और विल अब नॉर्मल तो यहाँ पर माइनस पेनल्टी भी करेंगे विच इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाउ यू गेट द नेट प्रॉफ़िट फॉर जनवरी वॉट फ्रेंड्स वाला आंसर क्या आ रहा है Eighty-two thousand IGA friends two forty-two. So loss is not six thousand two hundred. It is little less. ंड्रेड इज अलॉस टेड इज अलॉस ओके एंड दिस वीकलीट द सम तो हमने ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेंड्स हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखा हमने गुड्स भी देख लिया तो okay? so, अब क्या है अब आगे है होटेल्स और हॉस्पिटल Once you complete, then we can start with it. Friends, you can write a note for penalty. Note for penalty. Penalty is an abnormal cost, it cannot be charged to customers.

नॉर्मल और एबनॉर्मल कोई भी तरीके का कॉस्ट हो विल रेड्यूस प्रॉफिट राइट हिन्स पेनल्टी इज कंसिडर्ड इन प्रॉफिट कैलकुलेशन ओके कंप्लीटेड क्विकली लास्ट टू सम्स फॉर द चैप्टर फ्रेंड्स क्वेश्चन थ्री अ हॉलिडे होम फॉर दिस पर्पज इट हैज हार्ड अ बिल्डिंग एट द रेंट ऑफ टेन थाउजेंड पर मंथ एलोंग विथ फाइव परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स मतलब जो बंदा हमको प्रॉपर्टी दे रहा है वो हमसे कमीशन भी लेगा रेंट इज द कॉस्ट एंड ऑल्सो कमीशन तुमको याद होगा वो सब टोल्टूडिंगल डबल रूम ट्रिपल रूम अभी सिंगल रूम हंड्रेड है डबल रूम फिफ्टी है ट्रिपल रूम थर्टी है बट रूम्स होने से फायदा नहीं होता बेटा रूम ऑक्यूपाइड होने से फायदा होता है

Other are staff salaries, अब ये पूरे साल के लिए दिया है स्टाफ सैलरी रिपेयर लॉन्ड्री इंटीरियर सैलरीज ये सारे खर्चे हैं प्रोवाइड प्रॉफिट ए ट्वेंटी डेज इन ईयर बोलनाट द रेंट टू बी चार्ज टूच टाइप ऑफ रूम मतलब ये रेंट कितना चार्ज करना चाहिए अब जैसे जब बस में ट्रैवल करते हैं तो बस को टिकट बोलते हैं, बस फेयर बोलते हैं है ना बस फेयर इज नथिंग बट सेल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना बस फेयर क्या है इट इज सेल्स वैसे होटल वाले के लिए रेंट इज सेल्स राइट मेरे लिए फीस इज सेल्स तो सबके नाम अलग अलग है इधर रेंट क्या है इट इज नथिंग बट सेल्स तो बेटा यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स

Statement showing Total takings for holiday home particulars rupees. टोटल टेकिंग्स के लिए विल एड अप ऑल द कॉस्ट रिमेंबर ऑल द कॉस्ट टू बी टेकन फॉर योर सबसे पहले गो इन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड सबसे पहले है रेंट रेंट इज टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ वी हैव टू टेक इट फॉर ट्वेल्व मंथ वन लैख Then देन वो बाद में करेंगे फिर सीधा वो टेबल है फ्रेंड्स कॉपी कर लो स्टाफ सैलरीज फोर्टीन लैख ट्वेंटी फाइव रूम अटेंडेंस पेजेस Four lack fifty Lighting, heating and power cost two lack fifteen Repairs and renovation. One lakh twenty-three five hundred. Laundry charges. Eighty thousand five hundred. Interior decoration. Seventy four thousand. Sundries. वन लैक फिफ्टी थ्री थाउजेंड सारे कॉस्ट लिख दिए दिस इज टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन राइट अब इसमें हम कमीशन ऐड करेंगे जो देना है वो फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो यार ये बहुत बड़ी लंबी लाइन कर दी थी मैंने तो हमें मिल जाएगा टोटल टेकिंग्स चलो कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग फ्रेंड्स यू गेट ट्वेंटी सिक्स लैक्स फोर्टी वन थाउजेंड दिस इज टोटल कॉस्ट इक्लूडिंग कमीशन अब कमीशन कितना बोला है फाइव परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स टोटल टेकिंग्स हंड्रेड है कमीशन फाइव है और प्रॉफिट कितना बोला है ट्वेंटी परसेंट ऑन टोटल टेकिंग्स तो प्रॉफिट ट्वेंटी है अगर तुम्हारा टेकिंग्स हंड्रेड है So can you tell me what will be total cost? Excluding commission? Reverse jao minus karo. You get seventy-five. So come on friends. Cross multiply karo or values layao. You get thirty five lakhs 7 lakh four thousand two sixty seven will be the profit. And one lakh seventy-six thousand zero six seven will be the commission income. Are you getting this, friends? Please confirm. So total sales Nikalia? अब हमें कैलकुलेट करना है हर रूम का रेंट कितना होना चाहिए तो ये जो सारा सेल्स से है हम उन लोगों से रिकवर करेंगे जो हमारे होटल में रहने आते हैं तो चलो कैलकुलेट करते हैं days, करना है। जैसे पैसेंजर किलोमीटर था जैसे टन किलोमीटर था अब वैसे आएगा रूम डेज नंबर ऑफ रूम्स कितने ऑक्यूपाइड है फॉर हाउ मेनी डेज ये देखना है ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं गिव द हेडिंग वर्किंग नउट वन कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज थ्री टाइप्स ऑफ रूम्स है तो so कैलकुलेशन भी उसी तरह होगा सबसे पहले सिंगल रूम का समझो तो हंड्रेड रूम्स है और ये हंड्रेड परसेंट ऑक्युपाइड भी है ओके तो हंड्रेड रूम्स ऑक्यूपाइड है बट कितने दिन के लिए राइट right? कितने दिन के लिए जस्ट सी एनी मेंशन अबाउट द ऑक्यूपेंसी डेज दे हैव गिवन थ्री सिक्सटी डेज इन अर राइट एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन

Days. Then, double room. There are fifty rooms, but occupied only eighty percent. In two number of days, three sixty. Fifty into eighty percent into three sixty, you get. Fourteen four hundred room days. Then triple room. There are thirty rooms, sixty percent occupied for three sixty days. टोटल so, नहीं लेना है क्योंकि सबके लिए थर्टी सिक्स थाउजेंड है सिंगल so, रूम ये, ये लोग हमको कितना रेवेन्यू देंगे मान लो अगर एक्स है तो डबल रूम वाले टू पॉइंट फाइव टाइम्स दे रहे और ट्रिपल रूम वाले डबल का डबल दे रहे

एक रूम का भाड़ा टू पॉइंट फाइव एक्स होगा और ट्रिपल रूम का फाइव एक्स होगा राइट इट इज गिवन ये टू पॉइंट फाइव टाइम्स है और ये इसका इंटू टू है ओके okay? तो ये एक दिन का एक रूम का इतना है तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू देखूं, फ्रेंड्स अगर मैं टोटल रेवेन्यू देखूं तो मैं पहले सिंगल रूम का बात कर रही हूँ मुझे एक एक रूम से एक्स रुपया मिलेगा तो वैसे थर्टी सिक्स थाउजेंड है तो आई विल गेट एक्स इन टू थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज करेक्ट ये है सिंगल रूम का अगर डबल रूम का बात करूं तो फ्रेंड्स मुझे एक रूम से टू पॉइंट फाइव एक्स मिलेगा और ऐसे फोर्टीन रूम डेज है ठीक है और लास्ट में ट्रिपल रूम का एक रूम का को 5X मिलता है और 6480 है और तो ऐसे रूम डेज तो काउजेंड एक्स प्लस इधर थर्टी सिक्स थाउजेंड एक्स प्लस सिक्स फोर एट जीरो इंटू फाइव थर्टी टू फोर हंड्रेड एक्स टोटल

You get thirty three point seven three. So, therefore, rent per room day for single room will be thirty three point seven three. डबल रूम विल बी टू पॉइंट फाइव इंटू थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थ्री एंड ट्रिपल रूम विट एटी फोर पॉइंट थ्री टू फाइव एंड वन सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स फाइव तो ये होगा रेंट फॉर द रूम डेज आई होप यू एव अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स तो यह है होटेल का रिमेम्बर द थीम ऑफ द कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट समाइट और सिमिलर वे में चलो अब हम नेक्स्ट और लास्ट सम करते हैं हॉस्पिटल का क्वेश्चन फोर हॉस्पिटल रन सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट इन हायर्ड बिल्डिंग सीसीयू कंसिस्ट ऑफ थर्टी फाइव बेड्स एंड फाइव मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें थर्टी फाइव बेड्स है परमानेंट बेड्स है थर्टी फाइव पर पांच बेड्स की जगह है चाहे तो हम और फाइव बेड्स ऐड कर सकते हैं मतलब टोटल स्पेस अवेलेबल इज फॉर फोर्टी बेड्स बेड्स थर्टी फाइव बेड पाँच बेड्स नहीं है बट कोई पेशेंट आया तो हम बेड को हायर करके लाएंगे पेशेंट को एडमिट करेंगे वी कैन एडमिट फोर्टी पेशेंट्स एट ए टाइम रेंट पर मंथ इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड सुपरवाइजर देर आर टू पीपल ट्वेंटी पर मंथ ईच पर मंथ ईच इधर आएगा Nurses there are 4, 20,000 per month, ward boys 4, 5,000 per month each. Doctors paid 2,50,000 per month and paid on the basis of number of patients attended time spent by them. Other expenses for the year, repairs, food to patient, other services to patient, laundry charges, medicines, other fixed expense, admin expense. It was estimated that for 150 days in a year, 35 beds are occupied. साल में 365 डेज होते हैं उसमें से 150 डेज सारे 35 बेड्स ऑक्यूपाइड होंगे एंड 80 डेज के लिए सिर्फ 25 बेड्स ऑक्यूपाइड होंगे बाकी के खाली होंगे द हॉस्पिटल हैज हायरड 750 बेड्स एट द रेट ऑफ 100 पर बेड पर डे यानी ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि हमारे 35 बेड्स कम पड़े हमने हायरिंग किया है टोटल 750 बेड्स हायरड ऑफ कोर्स एक दिन में पांच ही हायर कर सकते हैं ओवरऑल 750 बेड्स हमने हायर किया है And the high charges are hundred per bed per day to accommodate the flow of the patient. However, this does not exceed more than five beds. I told you na, ek din mein toh karenge. You are required to calculate profit per patient day if the hospital recovers on an average two thousand from each patient day, and also calculate break-even point for the hospital. So, chalo, hum ko oh, profit pucha gaya. Yar, <coughs> question four hai, right?

अब कॉस्ट पर पेशेंट डे कैसे मिलेगा वेरी सिंपल टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पेशेंट डेज कर लो तो so चलो अब पहले हम टोटल कॉस्ट ढूंढते हैं फिर टोटल पेशेंट डेज ढूंढेंगे डिवाइड करके कॉस्ट पर पेशेंट डे मिलेगा और उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करके हमको मिल जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट डे एंड दिस वुड बी द अप्रोच फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ डू इट गिव द हेडिंग Statement showing total cost for a year. First cost is rent. Rent is seventy five thousand per month given. Nine lakhs. Supervisor's salary twenty five thousand per month into twelve months into two supervisors. Correct? You get six lakhs. Nurses' salary twenty thousand per month into twelve months into four nurses nine sixty thousand. Then word boys. थाउजेंड पर मंथ इन टू ट्वेल्व मंथ इन टू फोर वर्ड टू लैख फोर्टी थाउजेंड तो ये हमारी सैलरीज लिखकर हो गई डॉक्टर्स फीस द नेक्स्ट डॉक्टर्स फीस इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ एंड ट्वेल्व मंथ्स का कितना होगा थर्टी लैक्स देन रिपेयर्स एटी वन थाउजेंड फूड Eight lakh eighty. Other services to patients. Three lakhs. Laundry charges. Six lakhs. Medicines. Seven lakh fifty. एक्सपेंसेस टेन लैक एटी ठीक है एंड ऑफकोर्स दर इज वन मोर कॉस्ट एक्स्ट्रा बेड हायर चार्जेस सेवन फिफ्टी बेड हायर किए हैं और एक का खर्चा सौ रुपया तो यू गेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड एज अदर कॉस्ट ओके ऑन फ्रेंड्स गेट द टोटल कॉस्ट द हॉस्पिटल एडमिन लेना है मैंने नहीं लिया है एडमिन टेन लैक्स फ्रेंड्स यू गेट टोटल ऑफ वन जीरो फोर लैक सिक्सटी सिक्स थाउजेंड करेक्ट ये है मेरा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिलने के बाद हम टोटल पेशेंट डेज कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ Patient days. अब इसमें ना दो तरीके के डेज है एट्टी डेज कुछ पंद्रह बेड और कुछ एक्स्ट्रा बेड डेज भी है राइट तो हम उसको तीन कैटेगरी में बाइफेट करते हैं फुल कैपेसिटी वाला पार्शियल कैपेसिटी वाला एंड एक्स्ट्रा बेड डेज वाला ओके अभी फुल कैपेसिटी का पेशेंट डेज कैसा पेशेंट डेज मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ठीक है तो फुल कैपेसिटी देवर वर 35 पेशेंट्स राइट right? 35 बेड्स मतलब 35 पेशेंट्स एंड 150 डेज ऐसा था So what do you get? 35 into 150 friends, you get 5250 patient day. Partial capacity mein, <clears throat> there were 25 patients admitted, right? 25 beds were occupied. For 80 days. 25 into 80 friends, you get more 2000. And

जिनके लिए मुझे बेड्स हायर करना पड़ता है और इस वजह से ये सेवन फिफ्टी आ रहा है वॉट इट दिस इज द कैलकुलेशन तो फाइनल आंसर कितने पेशेंट डेज हो गए टोटल पेशेंट डेज फ्रेंड्स यू गेट एट थाउजेंड पेशेंट डेज तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया टोटल पेशेंट डेज निकाल लिया ये सब क्यों किया वर्किंग अगर तुमको याद हो तो अप्रोच हमको पूछा गया है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 2000 पता है अभी कॉस्ट निकाल लेते हैं पर पेशेंट डे टू गेट द प्रॉफिट तो चलो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट उसमें रेवेन्यू पर पेशेंट डे टू थाउजेंड राइट ये सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट पर पेशेंट डे कितना आता है फ्रेंड्स इट टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पेशेंट डे टोटल कॉस्ट इज वन जीरो फोर लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एंड टोटल पेशेंट डेज इज एट थाउजेंड कितना आता है इट कम्स टू वन थ्री जीरो एट पॉइंट टू फाइव सो फ्रेंड्स वॉट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट डे माइनस टू थाउजेंड यू गेट 691.75 तो दिस इज प्रॉफिट पर पेशेंट डे दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट अब इसके सेकेंड पार्ट में पूछा है ब्रेक इवन कितने पेशेंट डेज हो तब यू you नो know, ये हॉस्पिटल का ब्रेक इवन होगा तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो वो तुमको मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि तुम इधर कुछ स्पेस छोड़ दो ये कैलकुलेशन हम तभी सीखेंगे फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा ओके फ्रेंड्स वी लीव द बी पार्ट डू इट आफ्टर मार्जिनल कॉस्टिंग ओके फ्रेंड्स यूके बी पी उस चैप्टर में है दैट्स इट फॉर द चैप्टर अब हम थोड़ा प्रैक्टिस सेक्शन देख लेते हैं जो तुमको अपने आप से प्रैक्टिस करना होगा सी क्वेश्चन नंबर वन इट इज ऑफ टोल प्रोजेक्ट कॉस्ट है सॉरी यू मस्ट ट्राई दीज ऑल एट नो एट योर एन जब तक तुम सम खुद से नहीं करते तब तक तो कुछ नहीं होने वाला ये पैसेंजर किलोमीटर वाला है फिर से मस्ट ट्राई दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा राइट फ्रेंड्स ये भी मस्त सम है इसमें ना क्वेश्चन थ्री में इसमें चॉइस ऑफ कॉस्ट लेना है मतलब तीन ऑप्शन है सारे कॉस्ट दिए बट कौन सा कॉस्ट कौन से ऑप्शन के लिए है तो दिस इज समथिंग रियली यू नो वाइज दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सम ये सम जरूर करना आई सिलेक्टेड द सम्स व्हिच यू मस्ट डू ये तो चैम्बल थर्मल पावर स्टेशन ये तो बहुत सिंपल है you know, जो हमने किया था वैसे ही है क्वेश्चन फाइव इज अगेन सिंपल सम प्लीज ट्राई दे आर इन लाइन क्लास अगर तुमको कुछ भी डिफिकल्टी आता है ये सम्स में यू कैन अप्रोच मी के फ्रेंड्स और कुछ तो एग्जाम क्वेश्चन है रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन प्लीज डू दिस सम्स ओके एंड इट फॉर द चैप्टर Thank you.